नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, केजरीवाल जी के सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अभी 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 हम लोग यूट्यूब में, उसके बाद अभी व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह वायरल हो रहे हैं कि केजरीवाल जी जो हैं, 31 मार्च का जो प्रोटेस्ट है SSC का, उसके लिए केजरीवाल जी का सपोर्ट हमारे साथ है। तो मैं आप लोग को ये वीडियो इसलिए देखने बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये आप लोग से जानना चाहता हूँ कि क्या ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा, वो बात साइड करते हैं। लेकिन सजेशन जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ इसमें, इस वीडियो में, शुरू से आखिरी तक दीजिए, देखिएगा। उसके बाद ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं सजेशन दे रहा हूँ आप लोग को फॉलो ही करना है। ये सजेशन है, सजेशन का मीनिंग होता है ये, आपको अच्छा लगे तो आप लोग उसको फॉलो करो, और अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको आप लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को मैं ये बता देता हूँ कि केजरीवाल जी का सपोर्ट लेने से और नहीं लेने से आपके साथ, आपका जो प्रोटेस्ट है उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं केजरीवाल जी के अभी अभी के जो अभी अभी जो अभी अभी जो हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी अभी आप लोग जो न्यूज़ में देख रहे होंगे कि पंजाब के मिनिस्टर जो मजीठिया जी हैं, और फिर नितिन गडकरी और जो अपने कपिल सिब्बल जी जो हैं, और अरुण जेटली, ये चार मिनिस्टरों के ऊपर आरोप लगाया गया था। किसके द्वारा? केजरीवाल जी के द्वारा, केजरीवाल की जी के द्वारा कुछ कुछ आरोप लगाए गए थे। लेकिन अभी केजरीवाल जी जो हैं, उन सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जा रहे, माफ़ीनामा के लिए तैयार हो जा रहे, अपोलॉजी लेटर के लिए। तो ये जो होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाना तो ईजी होता है, एलिगेशंस लगाना ईजी होता है, लेकिन उसको उसके ऊपर खड़े रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोग किस आप इतना बड़े लेवल पे आरोप लगा रहे, कोई छोटा मोटा तो नहीं है कि मैं किसी के ऊपर, छोटे आदमी के ऊपर लगा दिया, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के ऊपर लगा रहे, मतलब बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है। इतने बड़े लेवल पे एलिगेशंस लगाना, उसके बाद उसके ऊपर माफ़ी मांगना, ये बहुत बड़ा ये मैटर बन जाता है। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ आप लोग को, वो आप लोग को अभी से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर और अगर हम लोग जाए तो नितिन गडकरी जी को अभी अभी एक अपोलॉजी लेटर केजरीवाल जी द्वारा दिया गया है, कि उसमें रिग्रेट दिखाया गया है कि जो भी एलिगेशंस लगाए थे वो, उसको मैं वापस लेता हूँ, कोई एलिगेशंस मैं अब नहीं लगाना चाहता हूँ, ये सारा जो मैं बोला था सब कुछ गलत था, और मुझे माफ़ कर दो करके एक एलिगेशन जो एक अपोलॉजी लेटर है केजरीवाल जी द्वारा नितिन गडकरी जी को लिखा गया। तो ये जो होता है कि किसी भी बड़े मिनिस्टर को आप लोग एलिगेशन लगा दिए, उसके बाद माफ़ी मांग लिए, तो केस केस सॉल्व नहीं हो जाता, केस तो और बढ़ता है कि हाँ एलिगेशंस लगाया गया था। तो कोई इंसान अगर अपने बात पर टिका नहीं है तो वो बहुत बड़ी मैटर हो जाता है। अगला हम लोग आ जाए अरुण जेटली जी के ऊपर। अरुण जेटली जी के ऊपर भी केजरीवाल जी ने काफ़ी आरोप और काफ़ी एलिगेशंस लगाए, करप्शन के ऊपर लगाए, करप्शन क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड समथिंग है उसके ऊपर करप्शन का कुछ चार्जेस, करप्शन के कुछ आरोप लगे, एलिगेशंस लगे। उसके बाद अपने 10 करोड़ का कंपनसेशन भी है, उसमें कंपनसेशन है कुछ 10 करोड़ का, ये वो एलिगेशंस के लिए। तो ये जो हो रहा है अरुण जेटली जी के ऊपर, नितिन गडकरी जी के ऊपर, कपिल सिब्बल के ऊपर, और फिर अगला आप लोग देख सकते हैं ये मजीठिया जी जो हैं, पंजाब के मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी अपोलॉजी लगाया था किसने? केजरीवाल जी ने लगाया था, उसको भी वो उन्होंने वापस ले लिया और माफ़ी मांग लिया। क्या लगाया था? ड्रग प्रॉब्लम जो पंजाब है उसका कारण उन्होंने मजीठिया जी को दिया था, लेकिन अब उन्होंने वो कहा है कि ये सारे एलिगेशन झूठे थे, मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ये सब जो आप लोग देख सकते हैं, ये सब जो हो रहा है, ये सब आप लोग को क्लियर हो रहा है कि केजरीवाल जी जो हैं अपने अपने बात में अड़े नहीं रहते हैं, अपने बात में अड़े नहीं रहते हैं कि क्या सच है क्या सही नहीं है, क्या एलिगेशंस वो जो लगा रहे हैं वो एलिगेशंस पे वो डटे नहीं रहते हैं कि एलिगेशंस जो लगाए हैं वो सही है कि गलत है। अगला आप लोग देख सकते हैं, ऐसे टोटल 20 केसेस हैं जो कि केजरीवाल जी ने अलग अलग पॉलिटिशियंस पे लगाया गया, 20 केसेस हैं, 20 केसेस हैं, और ये 20 केसेस नहीं पता ये आगे जाके सबसे माफ़ी मांगे या क्या करें, इसकी गारंटी तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ने भी ये जो 31 मार्च का जो एसएससी के और एग्ज़ाम्स के, ऑनलाइन एग्ज़ाम से लीकेज और ये सब के आरोप के लिए अगर केजरीवाल जी का सपोर्ट लिया, और आगे जाके अगर उन्होंने पासा वापस ले लिया और वो बोले कि अभी मेरे को ये जो भी एलिगेशंस लगाया था मैंने एसएससी के ऊपर, एसएससी के चेयरमैन के ऊपर, और ये सब जो था वो एलिगेशंस झूठे थे, तो ये जो हो जाएगा ये सब आप लोग का गेम पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। तो सपोर्ट ऐसे इंसान के लीजिए जो आप लोग के साथ आखिरी तक परमानेंटली जो है आप लोग का साथ रहे, आप लोग का साथ ना छोड़े और आप लोग के अगेंस्ट ना हो जाए राइट टाइम पे, तो सपोर्ट ऐसे कर लीजिए। तो मेरा जो है सजेशन है ये, अगर ये सजेशन अच्छा लगे तो इसको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप इसको फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं सजेशन दे रहा हूँ तो आप लोग को ऐसा करना है।
तो इसके बाद आप लोग सोचिए कि केजरीवाल जी का आप लोग को सपोर्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो तभी आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। अगर ये सजेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, अगर अगर आप लोग को अच्छा लगे सजेशन। क्योंकि सजेशन अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ये चाहते होंगे कि आपको अच्छा लगा तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा, और अगर ज़्यादा लोग को अच्छा लगा तो हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है, ये जो सजेशन है, ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो आखिरी में यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक सजेशन है, सिर्फ एक सजेशन है, तो आप लोग इसको एज ए सजेशन लीजिएगा, एज ए कमांड नहीं, एज ए ऑर्डर नहीं, एज ए सजेशन लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।